अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये खीर की रेसिपी है जो हम ईद में बनाते हैं। ये मेरी पिछले साल की लास्ट ईयर की शीरकुरमे की रेसिपी है जो मम्मा ने बनाए थे, मदर इन लॉ। ये मम्मा के हाथ की खीर है। बहुत 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 मस्त बनाते हैं अम्मी, सीरियसली उनके हाथ की खीर बहुत अच्छी बनती है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें काजू, बादाम और पिस्ता है। तीनों को मम्मा ने अच्छे से पहले तो 24 आवर्स के लिए उनको भिगा के रख दिए थे, फिर बाद में इनको अच्छे से धोकर काट लिए थे। काटने के बाद इनको सुखा लिए थे। देख रहे हैं आप किस तरीके से कटे हुए, इसी तरीके से काटते हैं मम्मा और हमें भी इसी तरीके से काटना चाहिए। और उसके बाद में इसको, ये देख रहे हैं आप, जब आप खीर बनाने खड़े हों तब इसको 2 से 3 टेबलस्पून घी में इस तरीके से भूनना है। 5 मिनट तक आपको इसको लगातार कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। ये दूध है जिसको मम्मा ने 5 लीटर दूध है जिसे उबाल लिए थे एंड उबालने के बाद में इसको धीमी आंच पे इस तरीके से पकाए थे। सिर्फ इसको पकाते रहना है, इसको चलाते रहना है। कम से कम सिर्फ इस खाली दूध को हमें 4 से 5 घंटे तक पकाना है। उसके बाद में देखिए, अब वो जो भुनी हुई जो ड्राई फ्रूट्स है उनको डाल देना है। ये सारे काम मम्मा रात में ही करते हैं, रात में टाइम रहता है इसलिए 4 से 5 घंटे तक आराम से दूध को बॉईल होने के लिए वक्त मिल जाता है। ड्राई फ्रूट्स सारे डाल देना है हमें, जितनी आपकी ज़रूरत हो। अगर आप ज़्यादा खीर बना रहे हो तो आप ज़्यादा ले लीजिए, अगर आप कम बना रहे हो तो आप कम ले सकते हो। फिर इनको चलाना है एंड इसको आराम से 4-5 घंटे तो हम लेते ही हैं। आप चाहो तो आप 3 से 4 घंटे भी ले सकते हो, लेकिन इसको 3 से 4 घंटे तक आराम से धीमी आंच पर पकाना है। ये पिछली ईद की शीरकुरमे की वीडियो है। वो रात की बात थी, अब सुबह हो गई है। ये सुबह का टाइम है, ईद का दिन है और अब मम्मा वापस से भूनेंगे सेवइयों को। रात में हमने ड्राई फ्रूट्स भूनने थे, अब हम सेवई भूनेंगे। वही घी के अंदर 2 चम्मच घी लेना है। अब ये सेवई डालेंगे, एकदम बारीक सेवई, इतनी ही लेना है। देखिए एकदम ज़्यादा नहीं, एकदम ज़्यादा से फिर वो खीर खुरमा एकदम थिक हो जाता है। इतनी ही सेवई लेना है हमें। इनको भूनना है अच्छे से। देख रहे हो आप कितनी कम हो गई है भूनने में। 2 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से कंटिन्यू भूनना है। अब गैस ऑफ कर दीजिए। शीरकुरमा पक रहा है, आप देखें, मैंने कहा था आपको 3 से 4 घंटे इसको पकाना है अच्छे से। ये 3 से 4 घंटे पक चुके हैं, चार पाँच घंटे। अब इसके अंदर हम सेवई डालेंगे। सेवई अगर आप चाहो तो आप रात में भी भून के रख सकते हो और ये टाइम पे भी भून सकते हो। ये हमने शक्कर डाले हैं, मम्मा ने शक्कर डाले हैं इसमें। शक्कर हमेशा लास्ट में ही डाली जाती है। आप देख रहे हो खीर हमने कितनी पकाए हैं, कहाँ ये फुल भरा हुआ था, अब आधा टोकरा हो गया है पूरा। खीर का ये कलर बहुत बहुत प्यारा लगता है और सीरियसली ऐसी खीर, स्पेशली माँ के हाथ की खीर तो बहुत बढ़िया बनती है। शीरकुरमे की बात ही अलग है।
दूध में बॉईल नहीं आया है अभी तक, जैसे ही बॉईल आएगा उसके बाद में हम सेवई डालेंगे। अब डाल दीजिए सेवई। सेवई डालने के बाद में इसे 2 मिनट तक और पकाना है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी माँ के हाथ की खीर कैसी लगी, और प्लीज़ इसे बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। मेरी मम्मा बहुत एक्साइटेड रहते हैं, किसी का कमेंट आया उनको बहुत अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं। इसलिए प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी, स्पेशली माँ के हाथ की, तो ज़रूर बताइएगा प्लीज़। थैंक यू।